भगवद गीता में अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि धरती पर जिस प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत भी तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। परंतु क्या मरने के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु के बाद उस आत्मा का क्या होता है, अकाल मृत्यु कैसे होती है, अकाल मृत्यु से बचने का मंत्र क्या है, आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देर ना करते हुए चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अकाल मृत्यु बारे में सच्ची बातें। अकाल मृत्यु कैसे होती है? मित्रों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का विषय ऐसा है कि इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के सातवें अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से किसी मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु के श्रेणी में रखा जाता है। अकाल मृत्यु क्यों होती है? दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो। यह दुर्घटना के कारण, ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है को काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद इसकी मृत्यु नहीं होती। परंतु अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए दुष्कर्म को बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसी प्रसंग में गरुड़ जी ने श्री हरि से यह प्रश्न पूछा था। जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? इस सवाल के उत्तर में श्री हरि बताते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्ति या इच्छा नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान ना होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब कुकर्म करता जाता है। इसलिए हर मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण में विष्णु जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के साथ चक्र निश्चित है। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती है। ये आत्माएं प्रेत, पिशाच, योनि में कई वर्षों तक यहीं भटकती हैं। यदि हमारे परिवार में ऐसा किसी का ही तो क्या करना चाहिए? इन आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी, हम वीडियो के अंत में जानेंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है।
वो आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने कर्म तथा अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती है। जबकि अकाल मृत्यु में व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। आत्महत्या पाप क्यों है? आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। आत्महत्या करना पाप माना गया है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं, जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके कर्म और उस शरीर का ऋण पूरा नहीं होता। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंत्र। भगवान विष्णु बताते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए, साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। मित्रों, अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दान पुण्य भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में भाग्य को बदल देने की शक्ति होती है। इसलिए आप भी पुण्य करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमः शिवाय।